नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में काफी अच्छे से सरकार चला रही आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली से बढ़कर अब पंजाब में भी सत्ता में है और आने वाले दिनों में गुजरात में सत्ता में आने का स्वप्न देख रही है। वो पार्टी दिन ब दिन तरक्की कर रही है, इसमें कोई दोराय नहीं है, कोई शक नहीं है। महाराष्ट्र में भी आम आदमी पार्टी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। लेकिन बात करें वसई विरार की, तो वसई विरार में आम आदमी पार्टी में गुटबाजी जाहिर हुई है। यानी कहने का मतलब, शुरू होने से पहले ही वह पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई फिलहाल वजूद नहीं है, उसमें शुरू होने के पहले ही गुटबाजी और विवाद सामने आया। दरअसल मामला था वसई अंतर्गत, वसई के सन सिटी आम आदमी ऑफिस में सुब्रतो कप विजेता बच्चों को अवार्ड दिए जाने के फंक्शन का। आपको बता दें कि पिछले रविवार को आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र सचिव धनंजय शिंदे वो वसई आए थे, उनका दौरा था और वसई में कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान एक कार्यक्रम वसई के सन सिटी का था, जहां सुब्रतो कप विजेता टीम का सम्मान किया जाना था। इसमें इस सम्मान समारोह के लिए कई बच्चे कड़ी धूप में घंटों बैठे रहे और इंतजार करते रहे कि नेताजी आएंगे। लेकिन इस पार्टी की गुटबाजी ने इन बच्चों के सपनों को साकार नहीं होने दिया और महाराष्ट्र सचिव धनंजय शिंदे वसई आए, दूसरे कार्यक्रमों में शामिल हुए और यहां तक कि वसई के एक पदाधिकारी जिनका नाम शिशिर द्विवेदी है, उनके कार्यालय में घंटों बैठे, लेकिन इस कार्यक्रम में सन सिटी में शामिल नहीं हुए। कहीं ना कहीं सन सिटी के लोग जो है, जिन्होंने आयोजन किया था, उन्होंने इस चीज को लेकर आक्रोश देखा गया। और धनंजय शिंदे तो नहीं आए, सुशील द्विवेदी भी कार्यक्रम के अंत में सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने आए। और कुल मिलाकर इस पूरे आम आदमी पार्टी में गुटबाजी का एक नमूना बता के चले गए। अब देखना यह है कि जो आम आदमी पार्टी देश भर में अपने आप को जनता से जुड़ा हुआ बताने की कोशिश में लगी है, आम लोगों पार्टी का नाम भी आम आदमी है, आम आदमी पार्टी, तो आम लोगों की पार्टी अपने आप को बताने की जुगत में जुड़ी है, उसके नेता अगर अपनी ही गुटबाजी के चलते जो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं उनसे संवाद नहीं साधते हैं, उनसे संपर्क नहीं करते हैं, तो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। अब तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें उसी पल की है और पार्टी में असंतोष फिलहाल दिखाई दे रहा है। हालांकि कैमरे के सामने किसी ने इस चीज का बयान नहीं दिया, लेकिन एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर सामने आया है। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में धनंजय शिंदे उस कार्यक्रम में शामिल होने के लेकर अपनी सहमति जता रहे कि मैं आऊंगा। सुनिए आप उस ऑडियो को आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हेलो, हाँ, वंदे मातरम सर, बोलिए। हाँ सर, मैंने आपको लोकेशन भी सेंड कर दिया है। हाँ हाँ, भेज दिया, मैंने देख लिया है। हम आ जाएंगे, आप चिंता मत करो, आएंगे हम परसों के दिन में, ठीक है। सर आप कैसे आएंगे, कार से आएंगे कि ट्रेन? नहीं, हम ट्रेन से आएंगे, वो सब करेंगे हम, आप चिंता मत करो। नहीं तो ट्रेन से आएंगे तो वैसे ही उतरेंगे, तो मैं कार लेकर आऊंगा ना सर। नहीं नहीं, मैं सुशील के साथ में कॉल। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।